हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हार्ट को हेल्थी रखने के लिए, यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचने के लिए योगा और प्राणायाम। इसके लिए सबसे पहले जो प्राणायाम है वो बताए जा रहे हैं। इसमें आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, कपालभाति प्राणायाम करना है, बाह्य प्राणायाम करना है और अनुलोम विलोम करना है और भ्रामरी करना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है जो पेट सांस को सारी को पहले खींच लेते हैं, फिर सारी सांस को बाहर छोड़कर होल्ड करते हैं और खाली पेट को हिलाते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है। कपालभाति प्राणायाम में हम पेट की हवा को बाहर निकालते हैं नाक के थ्रू। और जो बाह्य प्राणायाम होता है वो ऐसे ही होता है कि अपनी सारी सांस को बाहर निकाल कर होल्ड करके अकेले पेट को हिलाना, ये बाह्य प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाक से सांस लेना होता है फिंगर थंब के थ्रू। एक थंब से पहले राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट नोज को बंद करते हैं, लेफ्ट से सांस लेते हैं और लेफ्ट को अपनी मिड वाली दो फिंगर से बंद करते हैं और फिर राइट से सांस लेते हैं। इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें अपनी मिड वाली दोनों फिंगर्स जो होती हैं वो अपनी आँखों पर रखनी है और जो सबसे इंडेक्स फिंगर होती है ये अपने फोरहेड पर रखनी है और जो अपने थंब होते हैं वो हमें अपने कानों पर लगाने हैं। ऐसे ही दोनों हाथों से करना है और उसके बाद ओम की ध्वनि बाहर निकालनी है। सांस पहले ले लेना है, उसके बाद जब सांस बाहर छोड़ना है तो ओम की ध्वनि जैसे कोई भवरा करता है उस अकॉर्डिंग से करनी है। ओम बोलना नहीं है, वैसे ही सांस से उसकी सिर्फ साउंड आना चाहिए। इसके बाद आता है, अब बात करते हैं योग की। इसमें हम बात करेंगे ताड़ासन की। ताड़ासन में हमें सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को अपनी चेस्ट के सामने दोनों हाथों को जोड़ लेना है, जैसे प्रेयर करते थे छोटे होते थे जब, उस अकॉर्डिंग से। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और अपना पूरा भार पंजों पे ले आना है, यानी कि जो एड़ियां होती हैं वहां से भी उठा लेना है और अपने आप को ऊपर की ओर खींचना है। सांस को खींचना है जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वापस नॉर्मल कंडीशन में नीचे आ रहे हैं तो सांस को छोड़ना है। इस अकॉर्डिंग से इसे ताड़ासन को किया जाता है। इससे हार्ट हेल्थी रहता है। इसके बाद आता है वृक्षासन। वृक्षासन में भी सीधे खड़े होकर प्रेयर की पोजीशन में, यानी कि चेस्ट के सामने हाथ होने चाहिए और पैर भी सीधे होने चाहिए। उसके बाद अब एक नी को, चाहे आप लेफ्ट ले लें चाहे राइट ले लें, आप पहले लेफ्ट ले लें, लेफ्ट नी को बेंड करें और उसे उसके जो फुट है उसे राइट वाले लेग के थाइस पर स्टैंड करें। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, जैसे कि जैसे हमने जोड़े हुए थे प्रेयर पोजीशन में। ऐसा खड़े रहने से 30 सेकंड, ये वृक्षासन है। इससे कंसंट्रेट पावर भी बढ़ती है और हार्ट हेल्थी रहता है। उसके बाद आती है टर्न वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन में हमें सीधे खड़े हो जाना है, जैसे पहले पोजीशन थी प्रेयर पोजीशन उसी में खड़े होना है। उसके बाद अपने राइट वाले फुट को, यानी जो राइट वाला लेग है उसे 4 फुट आगे, यानी कम से कम 3 से 4 फुट आगे दोनों में डिफरेंस रखना है, लेकिन ऐसे नहीं कि चौड़ाई में नहीं सिर्फ लंबाई में, यानी सिर्फ उसे आगे ही लेके जाना है।
और नी को हल्का सा बेंड करना है और हाथों को ऊपर उठाना है। इसमें सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। ये होता है वीरभद्रासन। इससे भी हार्ट हेल्थी रहता है। उसके बाद आता है उत्कांडासन। इसमें हमें चेयर की पोजीशन में बैठना है। ये चेयर की पोजीशन में भी पहले प्रेयर पोजीशन में आकर, उसके बाद प्रेयर पोजीशन में जब हम आ चुके हैं, अपने हाथों को उसके बाद ऊपर ले जाएं और अपनी नी को इतना बेंड करें जैसे हम चेयर पोजीशन में हैं। इसमें भी हमें 30 सेकेंड रुकना है। ये सारे के सारे जो भी योगा हैं खाली पेट करने हैं, और सिर्फ एक योगा को 30 सेकेंड करना है। 30 सेकेंड का, ये 5 योगा हैं, 30 सेकेंड का एक राउंड करने के बाद, उसके बाद दोबारा से फिर स्टार्ट करें। फिर वो 30-30 सेकेंड का पर योगा 30-30 सेकेंड का होना चाहिए। उसके बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन में हम पेट के बल नीचे लेट जाते हैं फ्लोर पर, उसके बाद अपनी चेस्ट के सीध में अपने हाथों को रखते हैं और हाथों के थ्रू हम अपने सर को और चेस्ट को उठाते हैं। ये कमर तक उठाना है। ऐसा करने से भी, इसे कोबरा पोज भी कहते हैं, ऐसा करने से हार्ट भी हेल्थी रहता है और जिनको कमर प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये थे योगा और प्राणायाम हार्ट को हेल्थी रखने के लिए। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये प्राणायाम करेंगे। कपालभाति जो प्राणायाम करना है उसमें नॉर्मल इंसान ने तो 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक करने होते हैं कपालभाति के। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उन्होंने सिर्फ 40 से 45 स्ट्रोक ही करने होते हैं, उन्होंने 60 कंप्लीट नहीं करने होते। यानी कपालभाति करने की स्पीड थोड़ी धीरे होती है। सांस लंबी लेकर फिर उसे, ऐसे नहीं कि 60 के 60 सेकंड ही, 60 बार मतलब 1 मिनट में 60 बार नहीं करने, बल्कि 40 से 45 बार ही कपालभाति होना चाहिए। आप एक बार उसे गिन कर अपनी एक रिदम बना लें, उसके बाद अपने आप को 40 से 45 तक रुकता जाएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन हार्ट के लिए योगा और प्राणायाम। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।